नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट ने सिर्फ बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट ने न सिर्फ बड़ा खुलासा हुआ है बल्कि इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। रिया चक्रवर्ती के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को ईडी ने रिट्रीव किया है। बुधवार को इसी मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के टैलेंट मैनेजर जया साहा को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जबकि नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी भी मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में सुशांत केस में ड्रग एंगल पर चर्चा होगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इन व्हाट्सएप चैट से यह आशंका जाहिर हो रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स दे रही थी। अब सुशांत को इस बारे में जानकारी थी या नहीं, ये जाँच का विषय है। लेकिन रिया ड्रग चैट ने मामले को नारकोटिक्स ब्यूरो के दायरे में भी लाकर खड़ा कर दिया है। रिया की चैट्स के बाद यकीनन अब इस केस की दिशा ही बदल गई। खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्वीट कर सीबीआई से तुरंत एक्शन ले जाने की गुहार लगाई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह एक आपराधिक मामला है, सीबीआई को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। रिया कथित तौर पर एक ड्रग डीलर से गैर कानूनी ड्रग्स जैसे MDMA, हशीश और मैरिजुआना के इस्तेमाल पर चर्चा कर रही हैं। रिया के कुछ मैसेज सामने आए हैं जिसमें उन्होंने नवंबर 2019 में टैलेंट मैनेजमेंट एम्प्लॉई जया साहा और कथित ड्रग डीलर गौरव आर्या से चैट में कथित तौर पर सुशांत को ड्रग दिए जाने की बात की है। रिया ड्रग चैट से सुशांत की मौत में साजिश का शक भी गहरा गया है। रिया ने इस चैट्स को डिलीट कर दिया था, इसलिए रिट्रीव प्रोसेस में चैट्स के कुछ अंश ही सामने आए हैं। पहली चैट में रिया और गौरव आर्य के बीच बात हो रही है। गौरव वही शख्स है जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव से कहा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा है। दूसरी चैट भी रिया और गौरव के बीच है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास MD है या MD का मतलब MDMA से है। MDMA एक तरह का ड्रग है जो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तीसरी चैट रिया और जया साहा के बीच की है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। चौथी चैट में रिया कहती है, थैंक यू सो मच। इसके जवाब में जया कहती है, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। पांचवी चैट भी 25 नवंबर 2019 की है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती है, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इसके बाद की चैट सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच है। इसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की ही है। एक और चैट में रिया से मिरांडा पूछता है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। यहाँ हैश और बड लोअर लेवल का ड्रग माना जा रहा है। ये अप्रैल 2020 की चैट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।